प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने और संक्रमण दर में गिरावट के बाद राज्य सरकार ने आज से 3 स्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू कर दिया है। इसके तहत वीकेंड कर्फ्यू को छोड़कर सुबह 6 से 11 बजे तक सभी बाजार खुलेंगे। इस कड़ी में आज जयपुर सहित विभिन्न जिलों में दुकानें खुली। मॉडिफाइड लॉकडाउन के पहले दिन का हमारे संवाददाता राहुल शर्मा ने लिया जायजा। राजस्थान में जो अभी कोरोना के पेशेंट बहुत कम हुए हैं, उसकी वजह से सरकार ने जो मॉडिफाई लॉकडाउन का जो कदम उठाया वो बहुत ही ऐतिहासिक है। हमारे चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है। और मेरा थोड़ा सा इसमें एक सुझाव है एज ए जनता के नाते सरकार को, कि इसको टाइम को थोड़ा चेंज किया जाए, क्योंकि 11 बजे तक मॉडिफाइड लॉकडाउन नहीं चल सकता। व्यापारी घर से आता है, कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है, तो जैसे दुकानों का टाइम 11 बजे तक, इसको थोड़ा सा सरकार से मेरा निवेदन है ये इसको 8 से 2 बजे तक किया जाए, ताकि व्यापारी कुछ अपने रोजी रोटी के का जुगाड़ कुछ कर सके। मास्क हरदम पहन के रखें, उचित दूरी बना के रखें, सरकार के गाइडलाइनों का पालन करें। यहाँ तक कि समस्त व्यापार का प्रश्न है, मैं एक मेरी निजी राय है ये कि किराना व्यवसाय जो कि एक ऐसा व्यवसाय है जिसके लिए लोगों को अति आवश्यकता होती है, उसका समय 6 से लेकर 11 बजे तक एक बहुत ही अच्छा कदम है। और जो अन्य व्यापार है जैसे ऑटोमोबाइल का व्यापार है और कपड़े का व्यापार है, ये एक साधारणतः हम लोग देखते हैं कि लोग बच्चे लोग तैयार होने के बाद ही घर से निकलते हैं, तो 12 बजे से लेकर अगर इसको शाम को 5 बजे तक कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रदेश में कम होते कोरोना के आंकड़ों के चलते सरकार ने भी ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। जैसा कि आज 2 जून है, बुधवार का दिन है, और अभी हम मौजूद है जयपुर के बड़ी चौपर परकोटे में, और आप देखेंगे कि जो मेरे पीछे मेरे साथी सहयोगी से कहना चाहूँगा कि ये पीछे का नज़ारा दिखाए, आज मॉडिफाइड लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। प्रदेश के सभी जिलों में मॉडिफाई जो लॉकडाउन है उसकी शुरुआत हो चुकी है, और देखिए काफ़ी यातायात देखेंगे तो वो भी बढ़ोतरी देखी जा रही है, और कहीं ना कहीं चहल पहल भी काफ़ी देखने को मिल रही है। अभी समय 11 बजे से ऊपर का हो चुका है, इसलिए व्यापारी लोग कम हैं, दुकानें अधिकतर बंद हैं। सभी जिलों में गाइडलाइन के मुताबिक सुबह 11 बजे तक बाजार खुलेंगे, और लोगों को पूरी सावधानी के साथ कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाई जा रही है। शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक जो वीकेंड कर्फ्यू है वो पहले की तरह लागू रहेगा, और सरकार ने काफ़ी व्यवसाय गतिविधियों में छूट दी है, और धीरे धीरे जब यह स्थिति सही रहेगी तो और भी छूट देने की संभावना नज़र आ रही है। लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि कोरोना भी गया नहीं है, और ध्यान रखें सिर्फ संक्रमित जो दर है वो कम हुई है, तो लापरवाही ना बरतें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज़ करें, बार बार हाथ साफ करें, और अपने घर से बाहर अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकले, बच्चों का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, साथ में जो गाइडलाइन है उसकी पूरी जो प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरह से पालना करें, ताकि कोरोना की जो बढ़ता संक्रमण है वो कम हो सके। और दूरदर्शन भी आपसे यही गुजारिश करता है कि आप प्रोटोकॉल की पालना करें ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। मेरे साथी सहयोगी केदार प्रसाद शर्मा के साथ मैं राहुल शर्मा, DD News जयपुर।